आज एक बात आपसे डिस्कस करनी थी। आप सबको पता है कि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो क्या करना चाहिए? सिंपल आंसर है इसका, व्हाट? ब्रेव। हमें ब्रेव रहना चाहिए। आप बोलोगे ये तो बहुत सिंपल है, इसमें क्या बताने वाली बात है। वही तो बात है ना कि हम सिर्फ क्वोटेशंस को पढ़ते हैं, इसकी डेप्थ में नहीं जाते। लाइक आप अगर देखोगे हमारी जो इतनी पॉपुलेशन है, करोड़ों में से जस्ट कुछ लोग ही हैं जो उठकर ऊपर आते हैं। सभी क्यों नहीं आ पाते? तो उसका रीजन यही है कि वो लड़ते हैं। अगर वो लाइफ में हारते भी हैं तो वे उठते हैं, चलते हैं, लड़ते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, चलते हैं, संभलते हैं। मतलब वो लड़ते हैं। लड़ने का मतलब ये नहीं है कि इसका सर ही फोड़ देना है। कहने का मतलब है कि लाइफ में ब्रेव बनो। लाइफ में आपके साथ कुछ ना कुछ अप डाउन होता रहेगा, इससे ये नहीं है कि आपने हिम्मत हार देनी है। हमारी आदत है कि हमसे अगर कुछ हमारी लाइफ में कह लो, जहाँ हमसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो हम एक्सक्यूज ढूंढने में लग जाते हैं कि ये तो मेरे बस का ही नहीं है, ये तो मुझसे होगा ही नहीं, इसमें तो मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, जिसका तो लेवल ही बहुत लो है। हम एक्सक्यूज की तरफ भागते हैं, हम उस मुसीबत से भागने लग जाते हैं, उस मुसीबत का सामना नहीं करते, ब्रेव बनकर नहीं रहते। तो लाइफ में ब्रेव रहोगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा। ऐसे भागते रहोगे तो हमेशा फेलियर ही रहोगे। ऐसे ही अगर आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा तो उसे सेकंड टाइम ट्राई करो। फर्स्ट टाइम नहीं निकलता तो सेकंड टाइम ट्राई करो, सेकंड टाइम निकलता थर्ड टाइम ट्राई करो। गिव अप मत करो। कुछ बच्चों की आदत होती है अगर एक बार क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो ये हमसे होगा ही नहीं। उनकी थिंकिंग कुछ ऐसी बन जाती है कि ये तो हमसे होगा ही नहीं, ये हम कर ही नहीं सकते, ये तो हमारे टाइप का क्वेश्चन ही नहीं है, हमने ये चैप्टर ही छोड़ देना है। तो ऐसी सोच लेकर मत उठो। तो अभी मुझे एक थॉट भी याद आ गया, कहते हैं कि इस सब सोच के साथ मत उठो कि आप ये कर नहीं सकते, बल्कि इस सोच के साथ उठो कि आप ही इसे कर सकते हो। सो एवरी टाइम एक ही बात अपने आप को समझाओ कि यू आर द बेस्ट एंड यू विल डू इट, ओनली यू विल डू इट एंड डू इट, डोंट गिव अप, बी ब्रेव।